आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 6 पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक थ्योरम समझना होगा, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला थ्योरम है, अगर कोई भी दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होता है। तो आप नीचे देख सकते हैं, अगर ये एल लाइन एन के पैरेलल है और ये एम भी एन के पैरेलल है तो एल और एम आपस में भी पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में हमें ये दिया है कि एल इज़ पैरेलल टू एन एंड एम इज़ आल्सो पैरेलल टू एन एंड पी इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। सो वी विल राइट डाउन व्हाट इज़ गिवन, पी इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट कि जब एल एन के पैरेलल है, एम भी एन के पैरेलल है तो एल और एम भी आपस में पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट अस गो अहेड विद द प्रूफ सेक्शन। सबसे पहले हमारे पास गिवन में दिया हुआ है कि एल और एन तो पैरेलल है, तो L से जुड़ा एंगल 1 और N से जुड़ा एंगल 3 वो दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिटवीन द पैरेलल लाइंस। सो वी विल राइट डाउन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट थिंग हमें क्या दिया हुआ है, M इज़ पैरेलल टू N, तो M से जुड़ा एंगल 2 और N से जुड़ा एंगल 3 भी इक्वल होगा बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द रीज़न इज सेम। तो 1 और 2 से हमें एक चीज़ दिखता है, जब दो चीज़ एक ही चीज़ के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल माने जाते हैं। लाइक एंगल 1 और 2 दोनों एंगल 3 के इक्वल है। तो वी विल राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। अब आप ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं व्हेन गिवन टू लाइंस आर पैरेलल। सो वी विल राइट डाउन बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल हो सकते हैं व्हेन गिवन टू लाइंस आर पैरेलल। सो देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। थ्योरम नंबर 2 इज, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पे आपको डी और ई मिड पॉइंट दिया है ट्राइंगल ए बी सी के लिए। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें प्रूफ करना है कि ये जो डी लाइन सेगमेंट है ये बी सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस। गिवन में हमें दिया है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो ये तो हमने लिख लिया। इसके बाद हमें और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट डी है जो मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, दैट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज़ बी सी। सो लेट अस गो अहेड विद द प्रूफ सेक्शन। अब अगर डी इज़ द मिड पॉइंट है, वी नो दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो राइट डाउन डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इससे क्या हो जाएगा, डी बीच का सेगमेंट हो गया, मतलब ए डी एंड बी डी आर इक्वल। सो देयर फोर ए डी इक्वल्स टू बी डी। अब दोनों तरफ बी डी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय बी डी। तो ये हो जाएगा ए डी बाई बी डी इज़ इक्वल्स टू बी डी बाई बी डी। तो बी डी बी डी विल गेट कैंसल विथ ईच अदर एंड फाइनली विल बी गेटिंग ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक और कंडीशन हमें दिया है ई, तो वी विल राइट डाउन द सेम थिंग, व्हाट दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो इफ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन ए ई सेगमेंट इज इक्वल्स टू ई सी सेगमेंट। नाउ अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ई सी, डिवाइड both side by EC. So on continuation we will be getting AE by EC is equal to EC by EC. So EC EC will get cancelled with each other and finally we will be getting the value of AE by EC also as 1 and this will be equation number 2. From 1 and 2 हमें एक चीज़ दिख रहा है कि दो साइड रेशियोज जो हैं रेशियोज इक्वल दिख रहे हैं। तो तब जो चीज़ एक ही चीज़ के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल हो जाते हैं, डैट मीन्स AD by BD इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो ये बोलता है, दैट मीन्स अ लाइन विच कट्स द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ये प्रूफ हो जाता है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और हमें यहाँ वो थ्योरम लिखना पड़ेगा, अ लाइन विच कट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल cuts the two sides of a triangle in the same ratio is parallel to the third side।
सो इन दिस वे आवर थ्योरम इज फिनिश्ड. थ्योरम नंबर 3 है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, अगर डी मिड पॉइंट ए बी का और डी लाइन बी सी के पैरेलल है तो ई जो है वो भी मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वी राइट डाउन विच इज गिवन टू अस, दैट इज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, विल राइट डाउन लाइक दैट. एंड नेक्स्ट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी. तो हमें प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ए सेगमेंट ई सी सेगमेंट के इक्वल है तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट. सो लेट्स गो हैड विद द प्रूफ. अगर डी मिड पॉइंट है, सो फर्स्ट वील राइट डाउन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो वो दो सेगमेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी डी. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब हमें डी ई लाइन सेगमेंट पैरेलल दिया है बी सी के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम हमें क्या बोलता है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल कट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. वाट डज दैट मीन्स? अगर डी ई और बी सी पैरेलल हैं तो उनके दोनों तरफ के सेगमेंट के जो रेशियोज हैं वापस में इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स ए डी बाई बी डी विल बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी. ठीक है, बाई बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम. नाउ ए डी और बी डी तो इक्वल है, तो बी डी की जगह वापस ए डी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो ये दोनों तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा. नाउ आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वेयर वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू बी डी. क्रॉस मल्टीप्लाई हमें मिलेगा ए इक्वल्स टू ई सी. दिस प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वील स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6.2, जहाँ मैं बोल रहा है शो दैट डायगोनल ए सी एंड बी डी इन द ट्रेपेजियम कट ईच अदर इन द सेम रेशियो. इसका क्या मतलब होता है? अगर ए बी सी डी आप देख सकते हो यहाँ फिगर में, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, तो जो डायगोनल ए सी और बी डी ज्वाइन हो रहा है इनके जो साइड रेशियोज हैं वो इक्वल है. मतलब ओ ए बाई ओ सी हमें प्रूफ करना है इक्वल है ओ बी बाई ओ डी के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन वॉट इज द थिंग गिवन टू अस. हमें गिवन दिया हुआ डैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. उसके बाद हमें टू प्रूफ क्या करना है? हमें टू प्रूफ में ये करना है डैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी. तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी विल ड्रॉ ओ ई विच इज़ पैरेलल टू डी सी एंड विच इज़ पैरेलल टू ए बी. सो डैट मीन्स हम ओ से ई एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू डी सी एंड विच इज़ पैरेलल टू ए बी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट. पहले हम ले लेते हैं उल्टा ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ए बी डी. आई थिंक यू कैन सी दैट ट्राइंगल पोर्शन, दिस वन. सो इस ट्राइंगल में ये जो ओ ई है दैट इज पैरेलल टू ए बी. सो वील राइट डाउन इन ट्राइंगल ए बी डी ओ ई इज पैरेलल टू ए बी. सो बाई बी पी टी, अगेन बी पी टी का पूरा स्टेटमेंट हमें लिखना होगा that a line drawn parallel to a side of a triangle cuts the other two sides in the same ratio. तो इससे क्या हो जाता है? इससे ये प्रूफ हो जाता है कि AE by ED is equals to OB by OD. Let this be equation number 1. अब नीचे का ट्राइंगल लेते हैं. This was the first part. Second part is नीचे का ADC लेते हैं. This also you can see that ADC. इस ADC में भी OE line जो है वो DC के parallel है. तो again we'll write down in triangle ADC OE is parallel to DC. तो again by BPT, और बी पी टी के आगे स्टेटमेंट वही है जो हमने यहाँ ऊपर लिखा था, दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी.
अब आप इक्वेशन वन और टू में देख सकते हैं, ओ ए बाई ओ सी और ओ बी बाई ओ डी दोनों ए ई बाई ई डी के इक्वल है, मतलब वो आपस में भी इक्वल हो गए। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज़ प्रूव्ड दैट ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया गया है कि ए बी सी आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, डी मिड पॉइंट है और डी इज पैरेलल टू बी सी है। तो हमें प्रूफ करना है छोटा ट्राइंगल जो ए डी ई है दैट इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। अगर ए डी आइसोसेलस है तो अगर हम प्रूफ कर देते हैं उसके ऑपोजिट टू साइड ए डी और ए इक्वल है तो वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ए डी ई इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन में हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, देन डी इज़ द मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्या दिया हुआ है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें टू प्रूफ करना है विद दिस गिवन, वी नीड टू प्रूफ दैट ट्राइंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द प्रूफ। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो अभी हमने एक थ्योरम किया था कि अगर एक मिड पॉइंट है और उससे निकला हुआ लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो जहाँ वो टकरा रहा है दैट इज़ आल्सो द मिड पॉइंट। सो वी राइट डाउन देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा, दैट अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। Now we are having AB equals to AC. Now AB किससे बना है, AB बना है AD plus BD से, AC किससे बना है, AC बना है AE plus EC segment से। Now AD BD तो equal है क्योंकि D is the midpoint, so you can write down it in the form of AD plus AD. AE plus EC भी equal है, क्यों, क्योंकि AE और EC is the midpoint, तो AE और EC आपस में equal हो जाएंगे, तो ये भी बन जाएगा AE plus AE. This will become 2 times AD is equals to 2 times AE. सो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है कि पी इज द मिड पॉइंट, जो जो गिवन दिया हम लिख लेते हैं, दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्या दिया है, पी क्यू लाइन को बी सी के पैरेलल बताया, पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू बी सी एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ दिया है दैट क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। नाउ यूजिंग ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू प्रूव दैट बी आर इक्वल टू आर सी। तो बी आर इक्वल टू आर सी प्रूफ हो जाएगा अगर आर मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया बी सी का। तो फॉर दिस वी विल स्टार्ट डूइंग द प्रूफ, जो जो चीज़ दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ दिया है पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम लिख देते हैं पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और इसके साथ साथ पी क्यू बी सी के पैरेलल भी है। तो अगेन वही वाला थ्योरम अप्लाई होगा कि अगर कोई मिड पॉइंट है और उससे निकला हुआ लाइन तीसरे के पैरेलल है तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है, टकरा रहा है दूसरे साइड में, वो भी मिड पॉइंट बन जाता है। सो देयरफॉर क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसके पीछे भी वही रीज़न लिखेंगे जो रीज़न थ्योरम का था, हेडिंग अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड का रीज़न हमने लिख दिया है कि क्यों, क्यू मिड पॉइंट है। नाउ नाउ क्यू इज़ द मिड पॉइंट, सो यू राइट डाउन क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी। तो अगेन यहाँ ध्यान दीजिए, क्यू जो है मिड पॉइंट है और ये लाइन ए बी के पैरेलल है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन जहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है जैसे आर, आर भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। देयरफॉर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रीज़न यही है
तो जब आर मिड पॉइंट हो जाता है तो इससे प्रूफ हो जाता है दैट बी आर इज इक्वल्स टू आर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ए डी इज़ ए मीडियन। तो पहले जो जो चीज़ दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। ए डी को बता रहा है मीडियन, ए डी इज द मीडियन, मीडियन मीन्स डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। नेक्स्ट ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और क्या क्या दिया है, बी इज़ जॉइन एंड प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट एफ, ए सी का मेजरमेंट हमको दिया है डैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एफ। ए एफ की वैल्यू हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है वो आप देख सकते हैं, जो डी जी लाइन है वी आर ड्रॉन इट पैरेलल टू बी एफ। सो वी राइट डाउन ड्रॉ डी जी विच इज़ पैरेलल टू बी एफ। नाउ वी विल गो टू द प्रूफ सेक्शन। अब अगेन हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले दिस ट्राइंगल यू कैन सी दैट, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ए ई एफ डी जी। इस ट्राइंगल को हमने उसमें से काट लिया और काट के अलग कर दिया, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी जी। अब डी जी लाइन कंप्लीट बी एफ लाइन के पैरेलल है, तो डी जी लाइन बी एफ के पार्ट वाला ई एफ लाइन से भी पैरेलल माना जाएगा। एंड ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो देयर फोर अब आपको याद आ जाएगा वो थियोरम कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है, तो एफ भी क्या बन जाएगा, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। दैट मीन्स यहाँ पहले वो रीज़न लिख लेते हैं दैट अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इससे क्या हो जाता है, देयर फोर ए एफ इक्वल्स टू एफ जी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा जो ट्राइंगल लेंगे वो होगा ये वाला ट्राइंगल दैट बी एफ सी एंड दिस इज डी एंड जी। अब अगेन मैं आपको बता दूं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और ये दोनों लाइन तो पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड डी जी इज पैरेलल टू बी एफ। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है, इससे ये प्रूफ हो जाता है डैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। यहाँ भी वही आपको डालना है जो ऊपर में हमने थ्योरम का स्टेटमेंट डाला था, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो जब जी मिड पॉइंट है एफ सी का, तो इससे ये हो जाता है कि एफ जी विल बी इक्वल टू जी सी। ये हो गया इक्वेशन टू। अब वन एंड टू से आप देखिए, वन एंड टू से हमें ये पता चलता है कि वो तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। कौन से दोनों पार्ट, आप फिगर में देख सकते हैं। वन एंड टू से ये प्रूफ हो जाता है कि ए एफ पार्ट, एफ जी पार्ट, जी सी पार्ट तीनों आपस में इक्वल है, दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। डैट मीन्स ए एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल टू जी सी। सो डैट मीन्स डैट इज़ वन थर्ड ऑफ ए सी। सो वी राइट डाउन वन थर्ड ऑफ ए सी इज 6, 3 2 6। तो इससे ए एफ की वैल्यू निकल गई, द वैल्यू ऑफ ए एफ इज 2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। हियर व्हाट इज द थिंग गिवन टू अस। इसमें आपको पी क्यू आर तीन पॉइंट्स देख रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, वो तीनों मिड पॉइंट्स है। सो वी राइट डाउन पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। इस चीज़ को गिवन दिया है तो हमसे क्या प्रूफ करने को बोल रहा है, हमें ये प्रूफ करने बोल रहा है। प्रूफ नंबर वन, वी नीड टू प्रूफ दैट बी आर क्यू पी इज़ अ पैरोग्राम। ये फर्स्ट प्रूफ है। सेकेंड प्रूफ वो ये करने बोला है कि जो पी क्यू है दैट इज़ हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या दिया है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो जो मिड पॉइंट को लाइन जो जोड़ रहा होता है वो तीसरे लाइन के पैरेलल माना जाता है। सो देयरफॉर वी विल राइट डाउन पी क्यू लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू बी सी। व्हाई, वो थ्योरम हम लिखेंगे, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड।
ये थ्योरम हमने शुरू में कर लिया है समझने के लिए। तो अब पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो चुका है, तो देयर फोर पी क्यू पैरेलल टू बी आर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि बी आर इज़ अ पार्ट ऑफ बी सी ओनली। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन। नाउ लेट अस गो हैड अगेन। वी नो दैट क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी। तो अगेन इस पे वो थ्योरम अप्लाई होता है जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, क्यू आर विल बी पैरेलल टू ए बी। और इसमें भी आपको रीज़न यही देना है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इस पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये हमने लिख दिया क्यू आर। तो जब क्यू आर पूरे ए बी के पैरेलल है तो क्यू आर बी पी के भी पैरेलल माना जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन टू। फ्रॉम वन एंड टू अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो फिगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है बी आर क्यू पी इज अ पैरेलोग्राम, और पैरेलोग्राम के अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं। सो दैट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू बी आर। अब आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वी नो दैट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। दैट मीन्स बी आर जो है वो हाफ ऑफ बी सी है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो इससे प्रूफ हो जाता है डैट पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी।